नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री ललित कुमार यादव शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां पीएचईडी मंत्री ने जिलाधिकारी समेत कई विधायक और विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक की। इस दौरान पीएचईडी मंत्री ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले में जल संकट से संबंधित जानकारी ली और डीएम और पीएचईडी विभाग के पदाधिकारियों को जल संकट से जुड़ी जनता की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव और पिपैती विधायक ललन कुमार पासवान भी मौजूद रहे, जबकि दोनों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे जल संकट और पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया और भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए अविलंब बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति देकर समाधान करने का आग्रह मंत्री से किया। वहीं गोराडीह, जगदीशपुर, सनहौला और कहलगांव प्रखंड क्षेत्र में भूमिगत जल स्रोत काफी नीचे चले जाने से ग्रामीणों के बीच जल संकट गहराने की बात कही गई, जबकि इसके कारण इन इलाकों में कई नलकूप भी सूख जाने से पेयजल समस्या काफी बढ़ जाने की बात एमएलए पवन यादव ने कही। इसके अलावा दोनों विधायक ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए कई सुझाव भी पीएचईडी मंत्री और पदाधिकारियों को दिया। इधर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि जनता को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण जल मिले, इसके लिए विभाग की ओर से सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य के सभी जिले के डीएम समेत विभाग के पदाधिकारियों को भी मुख्यालय के स्तर से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ जल संकट होना स्वाभाविक है, लेकिन आम लोगों के जरूरत और हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही मंत्री ने सरकार और विभाग द्वारा आम लोगों को जल संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी बात करते हुए कहा कि जल की बर्बादी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों के साथ सभी आम नागरिकों की भी है, क्योंकि जल हम सभी की सबसे बड़ी जरूरत है। बैठक में डीएम सुब्रत कुमार सेन, एडीएम महफूज आलम समेत पीएचईडी विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जल संकट पर था कि कहीं कोई भागलपुर में जल संकट तो नहीं है, और सारे माननीय हमारे विधायक ललन पासवान जी, पवन यादव जी, जिला पदाधिकारी और सभी पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सभी लोग मौजूद थे और अपर संवाहर्ता महफूज साहब थे और भी निदेशक थे और भी पदाधिकारी थे। मूल यही है कि जल संकट कहीं नहीं तो हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण पानी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी सब पर मूल समस्या था। सारे बिंदु पर विस्तार से माननीय विधायक जी सभी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए और हम लोगों ने उसको नोट किया, मुख्यालय स्तर पर भी निर्देश दिए हैं जहां भी, और जो हम लोग मुख्यालय जाने के बाद जो भी यहां के जल संकट संबंधी कठिनाई है उस पर हम लोग निदान करेंगे। इस साल वर्षा का अनुपात कम हुआ, इस साल भी अभी तक वही अनुमान चल रहा है, लेकिन हम लोग जल संकट से निपटने के लिए, जल संकट नहीं हो, जनता के बीच स्वच्छ जल मिले, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रही है और इस पर खरा उतरेगी विभाग। सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पदाधिकारी जो भी, और अभियंता के द्वारा मुख्यालय स्तर पर से जो लंबित है उसको देखा जाएगा, और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, प्रशासन के लोग जो बताएं जल संकट के संबंध में, उस दिशा में हम लोग शीघ्र कर। भागलपुर नगर निगम के सौजन्य से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल कई जगहों पर पानी में कई तरह की अनियमितताएं देखी जा रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए आम लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से कई चौक चौराहों पर राहगीरों और मुसाफिरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें से कुछ जगहों पर टैंकरों से पानी भरे जाने के कारण पेयजल में कीड़ा मिलने की शिकायत मिली।
रही है। वहीं लोगों द्वारा प्याऊ से दुर्गंध वाले गंदा पानी और कीड़े मिलने की शिकायत के बाद भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि पहले जार से पानी दिया जाता था, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था, जिसको देखते हुए टैंकर से पानी दिए जाने लगा। महापौर ने कहा कि अगर पानी में कीड़ा मिलने या दुर्गंध की शिकायत मिलने के बाद हुई परेशानी का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने पीने के पानी में कीड़ा मिल जाने की बात को छोटी छोटी बताते हुए लोगों को इसे नज़रअंदाज करने को कहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राहगीरों और मुसाफिरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के बाद भी अगर पानी में गंदगी या कीड़ा मिल जाने को एक जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों द्वारा छोटी बात कैसे कहा जा सकता है, और अगर इस पानी के पीने से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक्चुअली जार के द्वारा जो दिया गया पानी वो सफिशियंट नहीं था, तो लोगों को और इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था कराई और अब टैंकर से पानी उपलब्ध किया जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनको टैंकर से पानी दिया जा रहा है। इस टैंकर के पानी में कोई ऐसा मामला नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने घर में भी ऐसी बातें आती है तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे और जो भी इसमें इससे संबंधित जो भी स्वच्छ जल मिले कैसे, तो इस पर हम लोग बातचीत कर भी रहे हैं और शुद्ध जल लोगों को मिलेगा, इसका हम आपको गारंटी देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए शनिवार को भागलपुर में प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई, जिसको लेकर जिला स्कूल समेत जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर 9000 से अधिक बच्चों ने एग्जाम में भाग लिया। इस दौरान कक्षा 6 में नामांकन के लिए काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने शामिल होकर सवालों के जवाब दिए, जबकि परीक्षा में हिंदी, गणित और मेंटल एबिलिटी से जुड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए। 100 अंकों की परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए, इसका जवाब बच्चों ने अपनी क्षमता और जानकारी के अनुसार दिया। वहीं परीक्षा के बाद अधिकतर बच्चों के चेहरे पर खुशी का माहौल दिखाई दिया और छात्र छात्राओं ने सवालों से संतोष व्यक्त किया। इधर शिक्षिका अंजलि कुमारी ने कहा कि नवोदय विद्यालय में नामांकन हो जाने पर बच्चों का बेहतर भविष्य एक हद तक सुनिश्चित हो जाता है और यहाँ पर बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ कई तरह से जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सवाल अधिक कठिन नहीं थे, लेकिन बच्चों को और बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। उनका भविष्य अच्छा होता है और वो काफी अच्छा कर भी सकते हैं, क्योंकि सरकार इस पे काफी ध्यान दे रही है और अच्छे से बच्चों की वहाँ पढ़ाई भी अच्छे से होती है। 6th क्लास के बच्चे थे, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको और प्रिपरेशन की जरूरत थी। जो मुझे लगा ड्यूटी करते वक्त कुछ छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, उनको और प्रिपरेशन की जरूरत है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन थे, क्वेश्चन काफी ईजी थे, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम थी नहीं था, बस प्रैक्टिस की जरूरत। शूरवीर और दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर शनिवार को पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसको लेकर पुनाई चक पार्क स्थित भामाशाह की आदमकद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्तीय वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता और उद्योग मंत्री समीर महासेठ समेत कई विधान पार्षद, विधायक और वरीय पदाधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने भी भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम के बाद बिहार में विपक्षी एकता को लेकर हुई बैठक पर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो सभी नेताओं के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और अभी कई और लोगों से बातचीत होनी है, जिसके बाद तय किया जाएगा कि बैठक कहां पर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय सभी लोगों की राय से ही तय होगा। योगाभ्यास के लिए यहां पर भी इंतजाम किया गया है। हमारी तो बातचीत बहुत जमाने से होती रहती है और इनसे जो बातचीत हुई और उसमें कहा कि एक पटना में भी तो अच्छा रहेगा, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक, तो इसीलिए बनाया गया है और इसमें उनकी तरफ से लोग यहाँ आएंगे और सब लोग जो योगाभ्यास के लिए सीखना चाहेंगे वो सब लोग सीखेंगे और बहुत लोगों के हित में। और हम लोग तो योग करते ही नहीं जी, हम लोग तो है ही, तो यहाँ भी होगा तो बहुत अच्छा है, इसलिए बड़ी खुशी हो गई। अब वो आ गए, खुद भी आ गए, तो हमारा बहुत पौराणिक संबंध है, बहुत मिलेगा।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं की ओर से शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के पश्चिमी गेट के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर जिला विधिक संघ की स्थापना अंग्रेजी शासन काल में वर्ष 1881 ईस्वी में हुई थी, जबकि भागलपुर अंग प्रदेश का अतीत काफी प्राचीन और गौरवशाली रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अंगराज करने के कर्णगढ़, विक्रमशिला, महाविहार, मंदराचल पर्वत जैसे गौरवशाली स्थल भागलपुर की पहचान है, लेकिन इसके बावजूद लगातार अनदेखी करते हुए लंबे समय से भागलपुर में हाईकोर्ट के खंडपीठ की अभी तक स्थापना नहीं की गई है, जबकि भागलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना के बाद बिहार के कई जिलों के लोगों को मुकदमे की सुनवाई के लिए पटना नहीं जाना होगा और इससे कई परेशानी के साथ आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी। साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे की संख्या इतनी अधिक है कि वहां से न्याय पाने में आमजन को काफी परेशानी और लंबा इंतजार करना होता है। साथ ही कहा कि कहलगांव व्यवहार न्यायालय के स्थापना कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपनी शक्ति और क्षेत्राधिकार से अपने ही कार्यकाल में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट की स्थापना करने का वचन दिया था। वहीं अधिवक्ता बालानंद मिश्रा ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के मुख्य न्यायाधीशों ने इस पर विसंज्ञान लेकर अभिलेख पर आदेश जारी किया, जिसके बाद बिहार सरकार ने वार कोर्ट निर्धारित कर कार्यवाही शुरू की, लेकिन अब तक यह मामला अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच सका। जबकि बीते 14 सितंबर 2022 को अग्रिम कार्यवाही के लिए अभिलेख एडमिन जज को हस्तांतरित किया जा चुका है। साथ ही कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हर माह के अंतिम शनिवार को धरना का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आने वाले दिनों में इसके लिए भूख हड़ताल के साथ काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया जाएगा। मौके पर संजीव कुमार, दी प्रभात कुमार, अवधेश कुमार सिन्हा, सृष्टिनाथ झा, तस्लीम खान समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। जनवरी महीने से लगातार माह के अंतिम शनिवार को किया जारी रखने का कर रहे हैं और रखेंगे जब तक कि खंडपीठ की स्थापना नहीं हो जाती। जहां तक खंडपीठ स्थापना में सरकार ने बारकोड निर्धारित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने करस्पॉन्डेंस जारी करके डबल बेंच का व्यवस्था सुनिश्चित किया है और अभी एडमिन जज के यहाँ यह लंबित है। लंबे समय से ये मांग चल रही है, लंबे समय से मांग चल रही है, तो स्नेह हर कदम पर यह बढ़ता भी चला जा रहा है। अभी जो है तो अब हम लोग एडमिन जज के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे हैं। भागलपुर के ज्योति विहार महंत नगर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने भक्ति गंगा में डूबकी लगाई। इस दौरान पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए, जबकि भागवत कथा कार्यक्रम गोनू धाम मंदिर के पुजारी पंकज आचार्य महाराज ने कथा पाठ किया। वही इस दौरान श्री श्याम विभाग का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आकर्षक वेशभूषा में बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया। इसके अलावा कथा के साथ भजन संगीत की भी प्रस्तुति दी गई, इसका श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।